हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, अपना बीटी बोर्ड मैंने मार्केट से लेके आया था। ये बेस टेबल का बोर्ड है दोस्तों, और अपना सारी बातें आज इसी पे होने वाली है। और मैं काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मैं लोकल मार्केट से मैं बास टेबल ले कर आया हूँ, ये बीटी, और ये माउंटेन कंपनी का है, माउंटेन कंपनी का बास टेबल बोर्ड है। और दोस्तों ये मुझे अराउंड 85 रुपीज़ का पड़ा है, 85 रुपये का मुझे पड़ा है लोकल मार्केट में। और आपके उधर कितने में आता है, ये मार्केट में अलग अलग रेट होता है दोस्तों। कहीं पे 75 मिलता है, कहीं पे 85, कहीं पे 80 रुपीज़, मतलब जगह जगह के हिसाब से इसका रेट होता है दोस्तों। और ऑनलाइन में इसका रेट ज़्यादा होता है। मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा बोर्ड बीटी बोर्ड है। देखिए दोस्तों, इसकी ये अपना अनबॉक्स कर दिया मैंने। ये देखिए, ये माउंटेन कंपनी का बहुत अच्छा बोर्ड बना हुआ है, और इसको आप 44-40 में, 30-55 में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये देखिए, और 72 में एम्पलीफायर बोर्ड में भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, दो सौ बीस UF का कंडेंसर लगा हुआ है मेन कैपेसिटर, और ये है इसका बास टेबल कंट्रोलर। ये अगर आप चाहोगे तो दोस्तों इसका प्रोनाउंसोमीटर भी आता है, टोन कंट्रोल अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको निकाल के, वो भी हो सकता है। और इसको मैं दोस्तों 44-40 बोर्ड में लगाने वाला हूँ, और अगली वीडियो में इसको मैं असेंबल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपना ये रहा अपना बोर्ड, और इसका मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, अनबॉक्स करके भी दिखा दिया दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है ये, और दोस्तों इसको ये अपना ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है दोस्तों। ये अराउंड आपको 200-250 से ऊपर ही मिलता है ये अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, और मैंने लोकल मार्केट से लिया है दोस्तों। ये मुझे 85 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि काफ़ी चीप प्राइस में है। अब इसका दोस्तों साउंड टेस्ट भी अगली वीडियो में करूँगा, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा कि इसका कैसा क्वालिटी है। और काफ़ी प्यारा सा दोस्तों बोर्ड है ये, आप 44-40 में, और अपना 72-97 में, और 62-83 में आप दोस्तों यूज़ कर सकते हो। घर के लिए बहुत अच्छा प्रीएम बोर्ड है ये। तो दोस्तों यही था वीडियो आज का, और दोस्तों इसका कनेक्शन के बारे में दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं इसको असेंबल करूंगा फिर मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं दोस्तों, 12 वोल्ट का सप्लाई है ये, और ये आउटपुट इनपुट है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं इसको चला के इसके बास टेबल की चेक टेस्टिंग करके आपको दोस्तों दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बता पाऊंगा कुछ। दोस्तों आज की वीडियो में यही था, और मिलेंगे दोस्तों किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।